हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आदिल भाई बोल रहे हैं? अरे जी, कौन? भाई, आपका मैसेज हमने देखा था ग्रुप में। हाँ, अच्छा तो वही आपका नंबर हमको मिला है ग्रुप से ही। जी, हाँ, ये तो उसमें आप मतलब कुछ बदतमीजी कर रहे थे, तो वही हमने कहा भाई पूछ लें आपसे क्या मामला है, क्या कोई नहीं नाराजगी है क्या बदतमीजी भाई। की? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आपका नाम क्या बताया आपने? जी अब्दुल्ला अब्दुल्ला नाम है आपका? कहाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यूपी से। यूपी से बात कर रहे हैं? जी, अच्छा, मैं जोधपुर से बात कर रहा हूँ। वैसे आपको फहीम ने नंबर दिया होंगे मेरे। आपने कौन सा कहाँ से लिए नंबर? एक ग्रुप है उसमें आपका नंबर था, वहीं से देख के लिया है। तो अच्छा, खैर बताइए, जो अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या गंदगी है, क्या गलत है, उसमें थोड़ा बताइए सबसे हमको। पहले सुनिए मेरी बात, सुनिए जी आप। जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा उस ग्रुप से कोई ताल्लुकात नहीं है। चलिए हटाइए, ग्रुप ग्रुप सब बताइए आपको, सुनिए मतलब तो अहले सही, हदीसों से अरे क्या सुनिए तो दिक्कत सही, है। आप पूरी बात सुनिए मेरी पहले। अच्छा, पूरी बताइए भाई आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा उस ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। और एक ठीक लड़का है यहाँ पर जोधपुर में, फहीम नाम का लड़का है, जिसने मुझे उस ग्रुप में ऐड किया था। जी तो जो है काफी टाइम से वो जो मुझे है परेशान कर रहा था। जी 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 कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करने, कभी कुछ भेजना, कभी कुछ भेजना, मतलब काफी, मतलब ऐसा कोशिश कर रहा है कि वो आप जो है गलत राह पे चल रहे हैं, हक पे आइए, ऐसा वगैरह फलाना ढिकाना, जो भी उनका मन किया है वो अल्लाह बेहतर जाने। जी तो मैंने सही उनको बोला, भाई आप अपना देखो और मुझे परेशान मत करो, और मुझे बात है, व्हाट्सएप मैसेज करना बंद कर दीजिए। सही बात तो है। वो मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ भैया, डेली नहीं, सही मैसेजेस, है डेली मतलब भाई, कुछ। अगर अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो हाँ उसको ब्लॉक कर दीजिए हाँ व्हाट्सएप पर। अरे सुनिए तो सही। अरे मैंने कहा वो रिलेशन पहले अच्छे थे, मतलब पहले इस हिसाब से रिलेशन नहीं थे ना मेरे, मतलब फिरका अच्छा परस्ती के टाइप, तो वो दोस्ती के टाइप था। तो है ना, डेली भेजने लग गया, तो मैंने बताइए, उसको मना किया दोस्ती के भाई बीच में फिरकेबाजी आ गई है, हद आप बताइए, है आप यार। बताइए। ठीक है, और दूसरी अरे, बात मैंने दो फिर भी दोस्त हैं, उसको, हम कह रहे हैं हाँ दोनों का कीदा अलग अलग हाँ भी है, तो दो दोस्त आपस में बैठ के अच्छे प्यार मोहब्बत से समझ सकते हैं। तो यही मैंने ग्रुप में जब मैसेज डाला कि मेरे सुन्नी दोस्त भी हैं, अहले हदीस दोस्त भी हैं, तेली भी है, बैलिम भी, और भी दोस्त हैं जो अलग फिरका परस्ती हैं, सब मुझे अच्छे लगते हैं, खाना खाते हैं साथ में, सब साथ देते हैं। तो वो सही क्या बात बोल रहे है। हैं कि तब तो ये कह रहे हैं कि वो दोस्त गलत हैं, इसका मतलब तो वो काफिर हैं, नहीं कि नहीं ये अगर वो तो हक की गलत आवाज नहीं चीज उठा है। सकते तो गलत है। तो एक बात बताइए, जब अपन काफिरों से जॉब ले सकते हैं, काफिरों के अंदर में काम कर सकते हैं, तो मुस्लिम भाई से बात करने में क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल आप इस मामले में बिल्कुल सही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मुझे कॉल किया कल शाम को इसी टाइम में। तो जी, ये जो भी है वही बात करने लग गए वापस। एक बार ग्रुप में आई है, ग्रुप में आपको बताता हूँ मैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने बोला, भाई वो ग्रुप को मैं जानता नहीं हूँ, कौन अंदर को है, कौन मेंबर से है, मैं किसी को जानता नहीं, सही क्यों मेरे को बात है, ग्रुप में ग्रुप डाल में रहा क्या है? ठीक करेंगे हम दोनों है, के। हाँ। तो इसने बोला कि नहीं आप आओ आओ, तो मैं आया नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा स्टार्टिंग किसने की, मैसेज की, इन्होंने मैसेज भेजा कि ये आदिल भाई नाम का लड़का है, अहले हदीसों को ऐसा वगैरह बोल रहा है, और वो हमेशा आते हैं, कब्र परस्ती करते हैं, कब्र पुजारी हैं, ऐसा वैसा बोल के, और झूठ बोल दिया, कॉल करके गाली देने लग गए। ठीक है, जबकि मुझे कॉल किसने किया, उसने खुद ने किया मुझे कॉल, अच्छा मेरे पास अच्छा डिटेल है, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है ग्रुप में कि झूठ नहीं नहीं कौन बोल सही, रहा है, आप झूठ बोलना बात जन्नत सही में कह दाखिल रहे नहीं हैं। होगा। जी, ठीक है, तो मेरा उनका ऐसा कोई झगड़ा नहीं था। उसके बाद ग्रुप में जब इन्होंने अनसर बात करना शुरू की ना, फिर मैंने ना वो मतलब जो गाली गलौज है, जो कुछ थोड़ा मतलब मैंने इंग्लिश में इसको बोला, पूरी गाली भी नहीं दी, मतलब ऐसे हिंदी में देता तो बुरा लगता, तो इसलिए मैंने हाँ, साइंस की इंग्लिश लैंग्वेज कह में रही। गाली दी। हाँ हाँ, क्योंकि मैं नर्सिंग प्रोफेशन से हूँ ना, इस वजह से, तो जी, माशाल्लाह, अल्लाह इसी बरकत वजह से दे। मैं, हाँ मैं अभी नर्सिंग ऑफिसर हूँ, अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है MP में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हाँ, तो बढ़िया, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अगर बहुत अल्लाह को बड़ा मुझे देना ही एहसान। नहीं होता, अल्लाह को मुझे पहले से अहले हदीस बनाना होता, तो ऊपर से बना के भेजता, मुझे पहले हिदायत दे देता अल्लाह। जी, अब ये कह रहे हैं कि जानबूझ के आप बनिए, आइए हमारी तरफ आइए, आप गलत है हम सही है। मैंने कहा भाई तू तेरी जगह सही है, मेरा माल मेरे काम आएंगे, फिर तेरे काम अगर थोड़ी कोई भी आएंगे। आपसे जबरदस्ती करे तो उससे सीधे कह दीजिए कि अल्लाह सुबहान ताला फरमाता है, सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकरा फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ, आप हमें प्यार से भाई वो दावत दे सकते हैं, आपका जो मन है, जो इसकी जो अच्छाइयां हैं अच्छाइयां बता सकते हैं, उसको हाँ मानना एक्सेप्ट करना ये मेरी मर्जी है,
कोई जबरदस्ती हमसे नहीं कर सकता कि नहीं मानो ही मानो, और जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मेरे भाई गलत है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये ग्रुप में ना ये सारे यही लोग थे, मतलब ज्यादातर सुन्नी लोग, मुझे नहीं लगता वहाँ कोई था तो ज्यादा ये थे। इन्होंने क्या सोचा हम सब मिलके इसको घेर लेंगे, तब मैंने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप से बाहर करते हैं। और मैं ना गाली वगैरह बकता नहीं भाई, बरेलवी भी अपने भाई उम्मत के, उनसे अकीदे का खिलाफ है तो क्या इसका मतलब ये क्या उनको घेर लेंगे, उनसे बदतमीजी करेंगे? हाँ, और दूसरा मेरा गाली देने का कोई इंटेंशन नहीं था। मेरे फहीम भाई ने क्या बोला मेरे को, बोला कि आप है ना ग्रुप से बाहर मत निकलना, भागना मत, आप जवाब देना हर बच्चों को, ग्रुप से आप खुद मत भागना, तो मैंने कहा ऐसे बाहर हूँगा तो फिर ये कहेगा बाहर हो गए, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा बहुत ऐसा बिहेवियर किया तो खुद ने मेरे को बाहर फेंक दिया। सही, तो मेरे को वापस मैसेज करके बोल रहा है कि आपने चाल चली। अरे कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए भाई, चलिए अब उनकी बात हो गई, आप माशाल्लाह। हाँ सुनिए, एक और ग्रुप है इनका ही है इस्ला नाम का, उसमें जोड़ रखा है, मैं उसमें कभी मैसेज नहीं करता ना, मैं उस ग्रुप से बाहर हुआ। रोज इसके अंदर कुछ ना कुछ दरगाहों का, मजारों का कुछ ना कुछ मजाक उड़ाता, डेली डाल में कुछ नहीं बोलता उसको, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए भाई। अगर कोई एक मैं मानूं कि अगर हाँ ग्रुप में और भी पार्टिसिपेंट हैं तो वो उसमें पता नहीं क्यों इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं। पूरा महीना मैं बता दूं आपको, एक महीना हो गया, मई 25 मई से लेकर आज तक सिर्फ इनके मैसेज है और कोई मैसेज नहीं करता ग्रुप में। जी जी सर, पता नहीं कौन है वो, उनका नंबर आप हमको भेजिएगा। क्या नाम बताया आपने? फहीम नाम है, फहीम। फहीम, हाँ ठीक है, उनका नंबर दीजिएगा, उनको भी समझाते हैं हम इस तरीके की अगर वो हरकत कर रहे हैं। खैर देखिए भाई, हमारे कहने का मकसद ये कि दरगाह मजार का और वलियों का मजाक बना के अगर हम किसी को समझाना चाहेंगे तो अगर उसको समझना भी होगा तो वो नहीं समझेगा, है ना, उसको और पहले गुस्सा आ जाएगा, यही कहने मतलब है, क्योंकि उनका अकीदा था उसमें ना पहले से ही। भाई अगर आपके आपको मैंने दावत दी है और मैं आपसे कहूँ कि आइए भाई खाना खा लीजिए, नहीं नहीं भले ही मेरे भाई थोड़ा सा ही खा लीजिए, तो आप मेरी मोहब्बत में हो सकता है भाई खा ले, लेकिन अगर मैं आपको दावत दूँ और को चल भाई साले कुत्ते खा खाना चुपचाप, तो आपको खाना भी होगा तो आप नहीं खाएंगे। तो नहीं इसी तरीके से अगर हम मेरे भाई आसमानी दीन पेश कर रहे हैं, कुरान हदीस पेश कर रहे हैं, तो अच्छे अंदाज से पेश करना है, उसको समझाना है। अब उसके सामने बदतमीजी करने लगे, उसके उंगली करने लगे, तो ये तो गलत है। नहीं नहीं भाई, अब जो भी है वो पता नहीं अल्लाह उनको। फिर मैंने उनको ये बोला कि चलो अगर आप कह रहे हैं कि भाई मैं सुनियत पे चल रहा हूँ, जो भी है, मतलब मेरे अंदर कुछ बुराई है, आपको लग रहा है कुछ डाउट है, तो मैं इतना नॉलेज वाला आदमी, मुझे दीन की इतनी समझ है नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ जिनके पीछे मैं नमाज पढ़ता हूँ, इमाम साहब हैं, उनसे मैं आपकी बात करवा देता हूँ, आप आइए मिल लीजिए हमसे, तो बात नहीं कर रहे कि नहीं आऊँ मैं, कि मैं आने के लिए तैयार नहीं। फिर मैंने बोला चलो आ नहीं सकते, चलो कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर लीजिए। सही बात है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करने के लिए तैयार। अब बताइए किस तरीके से साल में समझा, अभी कल रात उसके मैसेज आ रहे हैं फिर भी, और मैं उसको ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ, ब्लॉक इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं उसको, कैसे अगर इसको ब्लॉक कर जाए किसी और को भी परेशान करेगा, ऐसे कैसे भाग गए। नहीं नहीं, हम उनको समझाते हैं, आप उनका नंबर हमको भेजिएगा। और बाकी देखिए, हमने जिस नियत से फोन किया था वो कोई आपसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना था, क्योंकि हम जिसको फोन करते हैं हम बहुत ही प्यार से, तमीज से, कायदे से उसको अपना बिल्कुल भाई समझ के बात करते हैं। बिल्कुल, भले ही उसको मानना है या नहीं मानना वो उसकी मर्जी है। आप हमसे चार बातें बताओगे तो हो सकता है उसमें दो बात हमको अच्छी ना लगे, दो बात अच्छी लगे, तो जो हमको मेरे भाई अच्छा लगेगा सही लगेगा मान लेंगे, जो नहीं लगेगा नहीं मानेंगे। भाई कुछ जबरन हमको थोड़ी ना मनवा लेगा, भाई किसी का बाप करना थोड़ी ना चल रहा है कि कोई कुछ भी बोल देगा मानना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, जैसे अभी चल रहा है ना मॉब लिंचिंग वाला, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, वैसा ही तो उन टाइप भी बन रहे हैं। ये तरीका गलत है ना, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए चाहे कोई भी। और दूसरी बात, चलो अगर मैं किसी फिरके में हूँ भी, सुन्नी में हूँ या हदीस में किसी में भी हूँ, मैंने इनको ये बोला कि आप छोड़ो मेरी बात, मैं तो चलो कम से कम अल्लाह को सजदा तो करता हूँ, आप पहले जाओ काफी लोगों उनको लाओ दीन की तरफ, हमें ला क्या करोगे, हम तो पहले से अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। मैंने कहा पहले काफी लोगों को दावत दो, आप पहले आप आके घर वालों को परेशान कर रहे हो, इस्लाम में है ना भाई को परेशान कर रहा है, एक कुरान में भी आया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो पहले तो आप मुसलमान को परेशान कर रहे हो घर में ही, पहले मैं कह रहा हूँ काफी लोगों को समझाओ, उनको अपनी तरफ लाओ। अभी मेरा फ्रेंड है, आपको बताता हूँ अब्दुल, अभी उसका नाम क्या था पहले, जेस्पर विल्सन, ठीक है, तो मेरे कॉलेज में पढ़ता था मतलब, तो मुझे बाद में काफी 2 साल बाद मालूम चला कि वो मुसलमान हो चुका है,
मैंने उसको एक बार नमाज पढ़ते हुए देख लिया था, तब मैंने बोला यार तू तो क्रिश्चियन है भाई, नमाज कैसे पढ़ रहा है। तब उसने बोला कि भाई मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, मेरे सिटी में पता ऐसा कुछ बताया था। तो जब मैंने उसको नमाज पढ़ते हुए देखा तो वो मतलब अलग तरीके से पढ़ रहा था किसी भी अहले हदीस की तरह, मगर मैंने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, क्योंकि अगर उसको मैं ये बोलता कि तू गलत पढ़ रहा है ऐसे ही पढ़ रहा, तो वो बोलता यार इनके अंदर भी फिरका परस्ती है, तो फिर मैं इस्लाम में आके क्या करूँ। बहुत बहुत अच्छी बात की अल्हम्दुलिल्लाह आपने। कसम से मैंने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, मैंने कहा भी नरम पाइप है, अगर इसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगा ये। बिल्कुल सही बात है आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से हिकमत से काम लिया, बहुत हाँ। समझदारी का काम। मैंने कहा कि ये मेरे अल्लाह आपको जो सरकारी नौकरी अल्लाह सुबहान तआला ने दी है वो इन्हीं सब अदाओं से अल्लाह सुबहान तआला ने खुश होकर दी है। दूसरी बात है ना, मैं इसलिए भी इसको नहीं छेड़ा, मैंने कहा कि अगर वो आया है मेरे अल्लाह को सजदा कर रहा है मेरे लिए वही काफी है, बस चाहे वो किसी भी मेरे पे तरीके से पढ़े, नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़े और क्या करें फिर। सही बात है सही बात है। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। तो आदिल भाई एक आपसे मतलब एक नॉर्मली सवाल है, इसको मतलब आप कोई जो फिरकेबाजी उसमें अपना लीजिएगा एज अ मनहज, मतलब कोई फिरकेबाजी में इसको ना लीजिएगा, एक आपसी भाईचारे के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कोई शख्स है अहले हदीस है वो, और उसका मानना ये है कि भाई हम अपनी जो जिंदगी है दीन है वो हम लेंगे भाई अल्लाह सुबहान तआला के कलाम से और अल्लाह के नबी के फरमान से जी। तो वो उसका मनहज आपके हिसाब से सही है या गलत है? मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे अल्लाह को कोई मान रहा है और उसके सामने फर्ज नमाज पढ़ रहा है, सारे फराइज अदा कर रहा है और तमाम वो जो चीजें हैं अल्लाह के सामने रख रहा है अपनी, तो मुझे उसमें काम हो रहा है जबकि सबका खुदा तो एक है। मैं तो ये मानता हूँ, मानना क्या है वो तो ये क्या काफी लोगों का खुदा भी अपना अल्लाह है। मैं आजकल के जो अहले हदीस जो लोग बन रहे हैं वो एज इसको मनहज से हटा के उसको एज जो फिरका होता है फिरका बनाने लगे हैं, और वो जैसे ही खुद अहले हदीस बनते हैं तो वो खाली अपने आप को जन्नती समझते हैं, बाकी सारी दुनिया को मतलब भाई वो जहन्नमी समझने लगते हैं। तो ये उनकी एक तरीके से कम इल्मी है जिनकी वजह से जो ये मनहज है वो बदनाम हो रहा है। अपना अपना कीदा ऐसा नहीं है कि खाली हम जन्नत में जाएंगे बाकी सब काफिर है, नहीं जी भाई। अपने को अभी हमारी थोड़े दिन पहले 10-15 दिन पहले बात हुई थी इनकी कॉल पे, एक घंटा मैं आपको पता है स्टडी करता हूँ, अभी भी मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई फिर भी मैं स्टडी कर रहा हूँ कि वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए। जी जी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिएगा। तो मैं उसके लिए एम्स के लिए दुआ, अभी एम्स के लिए पढ़ रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ ये मुझे कॉल करते हैं, अब मैं इनका कॉल नहीं उठाऊँ तो ये सोचेंगे डर रहे हैं, ये बात नहीं करना चाहते, हक पे नहीं है ऐसा वगैरह वगैरह। तो मतलब कि किसी के पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ जाना, और अरे हम कह रहे हैं चलो ठीक है भाई वो दरगाह मजार पे जा रहा है, आप उसको अल्लाह के नबी के जो फरमान है उससे भाई ये बता दो कि भाई जो कब्र है उसको पक्का बनाना, इमारत आमिर करना अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, बाकी उसकी मर्जी है। अब आप जबरदस्ती तुम तो दरगाह पुजारी हो ये हो वो गलत हो जाएगा। अभी आपने जो मुझे आयत वगैरह बताई थी ना तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं मगर वो इनकी तरह बिहेव नहीं करते हैं कभी, वो प्यार से मुझे कहते हैं कभी कभी, वो भी ऐसे चुटके लेने में ऐसे मजाक में छेड़ देते हैं, तो मुझे उनका अंदाज अच्छा लगता है कि बस छेड़ के और दूर हट गए वो। अब ये क्या है ना, मुझे पूरी उंगली कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, रात को कॉल आ रहे हैं, नंबर दीजिएगा सबसे पहले तो अभी हम उनको हड़काएंगे ठीक है। भाई देखिए हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मुस्लिम है, लेकिन जो मनहज हमारा है भाई वो नॉर्मली हम अपना एक पहचान कर रखे हुए कि भाई अहले हदीस हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये तो है ना बाकी मुसलमानों को हम परेशान करने लगे। यही तो बात है ना, अगर हम ही खुद ही परेशान करने लगेंगे तो फिर दूसरे तो कर ही रहे हैं। सही बात, इसीलिए हम टूट रहे हैं। अगर एनआरसी सीएबी में जब आया, अगर हम उस टाइम ही बढ़ जाते कि आप अहले हदीस अलग करो हम सुन्नी अलग करेंगे, तो आज हम भारत से बाहर होते शायद। बिल्कुल सही बात है भाई, इस समय तो सबको एक होकर रहना है। हमने वो जो दिखाया कि हम साथ में हैं, अपने एकता दिखाई, तब आज उन्होंने जाके वो रुके हैं। वो सही बात है, एक साथ में बाहर आए, वहाँ शाहीन बाग में किसी ने पूछा क्या कौन बैठा है, लदीज कितनी औरतें हैं, सुन्नियों की कितनी औरतें हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, फिर वहाँ भी नमाज हो रही थी, वहाँ भी लोग बैठे थे। सही बात, मगर इनका मकसद ये है कि इनको लड़ा। अब एक बात बताऊँ, फहीम चलो मेरा कॉन्टेक्ट में आ गया कैसे करके, तो वो मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश में, उनको ये कैसे समझाएंगे। उनके हाथ चढ़ गया, मुझे समझा रहे आप अच्छी बात है, मगर बाहर इंटरनेशनल में कैसे जाओगे आप। नहीं नहीं समझाना अच्छी चीज है, लेकिन समझाने का जो अंदाज है तरीका है वो एकदम एक नंबर का, एकदम दो कौड़ी का
घटिया तरीका है कि भाई अल्लाह ने हमें नसीहत दे दी, अल्लाह ने हमको हक पे लाया है तो हमारा तो फर्ज बनता है कि आपको भी हम लाएं। यही लाइन अभी हमने आपसे कही ना कि जैसे ही लोग मेरे भाई हल्का सा भी मेरे भाई अपने आप को समझने रखते हैं कि हम तो अहले हदीस हो गए हैं, तो बस उनको ये गुमान हो जाता है कि हम तो अब एकदम हक पे जन्नती हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं। तो ये गलत चीज है। जबकि हमारे जो हजरत है इमाम साहब मस्जिद के, वो मतलब है वो भी सुन्नी और हमारी मस्जिद भी सुन्नी है, तो हम नमाज पढ़ने जाते हैं वहाँ पर, सब मतलब अपने लोग आते हैं, तेली है हमारे यहाँ पर जब पढ़ते हैं नमाज, तेली बहदीम और मोदी वगैरह, मतलब अलग अलग फिरके के लोग आते हैं सब नमाज पढ़ने के लिए, मगर किसी को कोई एतराज नहीं है कि वो कैसे पढ़ रहा, सब उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। और वो इमाम भी कहते हैं कि अगर जिसको रफादन करना है वो रफादन करे, जिसको नहीं करना वो नहीं करे। सही बात है, और क्या, दोनों वो बोलते हैं कि दोनों साबित है ये। सही बात है, तब इसमें गलती कहाँ है? अब वो दूसरे भी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा पढ़ता है कोई वैसे पढ़ता है, सब अलग अलग तरीके, मगर उनका मेन मकसद क्या है? वो हर बार तकरीर में ये कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि सब एक अल्लाह की तरफ आए बस। बिल्कुल सही बात है, अगर भाई वो ऐसी दावत देते हैं तो बहुत अच्छी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने मुझे फोन करके बोला, फिर हमारी कुछ बात चलने लगी तो बहस हो गई, तो इन्होंने बोला ऐसा वगैरह के नबी मर गए पता नहीं ऐसा कुछ बोला, बहुत तौबा। हमको लाइन पे लेंगे जरा, हमारी बात करवा सकते हैं आप? देखता हूँ, एड कॉल करता हूँ एक मिनट, वो कॉल उठाएंगे नहीं मेरा, देखना भी आप, करता मैं एक बार उनको कॉल। द पर्सन यू हैव कॉल्ड हैज पुट यू ऑन होल्ड, यू कैन वेट और कॉल अगेन लेटर। जिस व्यक्ति ने थे कॉल कर रिया हो वाने आबाद था के कॉल प्रतीक्षा सूची में रख दियो है, कृपया कुछ समय पाछे पुनः प्रयास करिया। जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है उसने अभी आपका कॉल प्रतीक्षा में रखा है, कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। द पर्सन यू हैव कॉल्ड हैज पुट यू ऑन होल्ड, यू कैन वेट और कॉल अगेन लेटर। जिस व्यक्ति ने थे कॉल कर लिया हो वाने आबाद था के कॉल प्रतीक्षा सूची में रख दियो है, कृपया कुछ समय पाछे पुनः प्रयास करिया। जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है, अब देखिए कॉल नहीं उठा रहे हैं, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। बताया ना आपको, जैसे उनको जब करना होता है ना परेशान, तब वो चला के अपना फोन कर देते हैं, और जब मैं करता हूँ फोन उठाते, वो सोचते कोई मौलाना पास में होगा, कोई आलिम पास में होगा, इस वजह से कॉल नहीं उठाते हैं वो। जब इतने डरपोक हैं तो फिर वो काहे के लिए मेरे भाई लोगों को उंगली करते हैं। सर आपने ग्रुप में मेरा बिहेव देखा होगा और पर्सनली बात करके देखा होगा, दोनों में आपको फर्क मालूम चल गया होगा। वो मैंने आप बरेलवी बाद में है, पहले मेरे लिए भाई हमारे दीनी भाई हैं, ठीक है भाई, पहले मुसलमान हूँ बाद में सब कुछ हूँ मैं। और दूसरी चीज, अगर आपकी मेरे भाई कोई मेरे भाई गलती होगी तो एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको डांट भी सकते हैं, और अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपके बड़े भाई होने के नाते हम उसको भी डांट सकते हैं, है ना। तो अपना मकसद ऐसा नहीं है, वो तो मेरे पास हमने वो ग्रुप में देखा तो हमने कहा भाई ये इंग्लिश में गालियाँ कौन दे रहा है भाई, कौन अंग्रेज है, लो जरा भाई उसकी सलाह करे। हमने सलाह की, मेरे से फोन किया था, बाकी जब आपने ये सब बातें बताई तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो आपकी बात सही है, है ना। बाकी देखिए आप तो आप जो नमाज पढ़ रहे हैं वो भी अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, हम जो नमाज पढ़ रहे हैं वो भी अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, बस जो इख्तलाफ है वो इस पे है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि वैसे नमाज पढ़े जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ी थी। अब उस इख्तलाफ को दूर करने के लिए हमें प्यार मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी। अब किसी के ऊपर हम मेरे पे हदीसें थोप दें आके कि नहीं ये हदीस में है ये अमल करो ना, आपके नीचे हाथ बांधने वालों की तो नमाजी नहीं होती, तो ये सब गलत है, ये जाहिलाना अंदाज है, ऐसे नहीं कहना भाई। हम भी पहले नाप के नीचे हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे, कोई माँ पेट से तो हमको आता नहीं था भाई ये कुरान हदीस, हमको तो नाम ही नहीं पता था बुखारी, जब हमने पहली बार नाम सुना बुखारी तो हम सोचते थे भाई कोई पैगंबर होंगे, मतलब हमको ये भी नहीं पता कि बुखारी कौन है, नाम ही नहीं सुना, ये हनफी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस ये सब तो नाम ही नहीं पता था। पहले छोटे थे जुम्मे जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते थे, वो भी अम्मी मार मूर के भेज देती थी, तो अपना चले गए मस्जिद, आधी नमाज पढ़ी भाग गए मैच खेलने, कोई इतना वही नहीं था, है ना। तो अब भाई पहले ऐसा नहीं, पहले हम लोग भी भाई एक तरीके से देखा जाए भाई, जो ये बरेलवी मसलक पे थे उसके बाद भाई जो ये जमात में लोग भाई वो जाते हैं तो वो पकड़ के रह गए 40 दिन की, तो भाई जमाती बन गए, ठीक। उसके बाद भाई पता चला
कि नहीं भाई ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम नबियों वाला काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो तालीमात है अकायदे वो तो नबियों वाले हैं ही नहीं। तो भाई फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा है उनकी सोबत में बैठे इल्म हासिल करते गए, कोशिश करते हैं कि भाई जितना इल्म है उस पर अमल भी करते जाएं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था बुखारी की हदीस में कि तुम मेरा पैगाम तुम लोगों तक पहुंचा दो अगरचे आयत क्यों ना आती हो। तो हम लोग को जितना आता है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जबरदस्ती मनवाना नहीं है। देखिए हिदायत देना अल्लाह सुभान व तआला के हाथ में, हम खाली पैगाम पहुंचा सकते हैं उसको, उसको जबरन का काम इतना। आप मुझे पैगाम दे सकते हैं, आप मुझे अपने दीन की दावत दे सकते हैं, मगर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं भाई। देखिए दीन तो हम सबका एक ही है, दीन इस्लाम है, बस जो मनहज इख्तलाफ है अकायद का तो हम आपसे प्यार से बात करेंगे, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये जो अहले हदीस है इनका ये जो फला अकीदा है ये मेरे भाई ये मतलब गलत है, तो आप हमको प्यार से उससे बात करेंगे ताकि मेरे समझ में आए कि हाँ भाई जो सामने वाला है वो अहले हदीसों के इस अकीदे को भाई वो गलत समझ रहा है, उसकी वजह ये है। तो वजह जब आप हमको बताएंगे तो हम उसको सुनेंगे समझेंगे फिर उसका जवाब देंगे। लेकिन अब डायरेक्टली जैसे हमारे पास भी अक्सर मतलब बरेलियों का फोन आता है, वो सीधे वो ना मेरे सलाम का जवाब देंगे, ना मेरे अच्छे से बात करेंगे, ना मेरे खैरियत पूछेंगे, डायरेक्ट फोन करके अबे तू तो गुस्ता के असूल है, अंग्रेजों की औलाद है, विक्टोरिया की पैदाइश है। तो अक्सर देखिए ये हर फिरके में मौजूद है ऐसे लोग, चाहे वो मेरे भाई सुन्नी बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे भाई अहले हदीस हो, ठीक है, कम इल्म लोग, ये हर मेरे भाई उसमें है। असली चीज क्या है? असली चीज ये भाई हम अपनी जिंदगी पहले अल्लाह की राह में उसको अच्छे से लगाने वाले बन जाए। हम खुद अमल कर नहीं रहे, व्हाट्सएप पे एक दो हदीसें देख ली रफुल दैन की, बस हम अल्लामा बन गए, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वही मैंने उनको बोला, मैंने कहा नबी की एक सुन्नत है दाढ़ी रखना, क्या आपकी दाढ़ी रखी है? आप जब उस पे अमल नहीं कर रहे हो और आप हमें कह रहे हो उसके अंदर आ जाइए ऐसा कर लीजिए वैसे कर लीजिए। जब इन्होंने ग्रुप में झूठ बोला तब मैंने इनको पर्सनल मैसेज करके बोला फहीम भाई आप इतना झूठ बोल रहे हो तो आप मुझे कैसे आप उसके अंदर दाखिल करवाएंगे। सही बात है। इन्होंने ये बोला ग्रुप में कि आदिल भाई फोन करके मुझे गालियां देने लग गए, जबकि कॉल इन्होंने खुद के चला के किया और मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर मैंने कहीं गाली का यूज नहीं किया। उसके बाद जब ग्रुप में सब मेरे ऊपर चढ़ने लगे तब मैंने यूज किया ताकि मुझे ग्रुप से खुद ने खुद बाहर फेंक दे। चलिए खैर आदिल भाई, आदिल नाम है ना आपका? आदिल। हाँ आदिल भाई देखिए आप ऐसे लोगों को अपना इग्नोर कीजिए, फोन करते हैं तो मेरे भाई फोन उनका काट के ब्लॉक कर दीजिए, व्हाट्सएप पे अगर आपको मैसेज भेजते हैं उनको मेरे भाई ब्लॉक कर दीजिए, ऐड करते हैं ग्रुप में तो ग्रुप छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों से कोई नहीं, जब तक देखिए पहला अगर हमारे अंदर एक इंसानियत, देखिए कोई इस्लाम का मानने वाला अगर है और अपने आप को भाई वो समझता है मुसलमान, अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर वो लाख मेरे भाई अपने आप को अहले बैत से जोड़ दे, वो हमारे नजदीक भाई एक नंबर का चूरन है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, हम अली के खानदान से हैं, हम हुसैन के खानदान से, हम फला के खानदान से हैं, और क्या है बात करने की तमीज नहीं है, मुंह पे उनके गालियां रहती हैं। तो अपने को किसी का खानदान नहीं देखना है, अखलाक उसका देखना है। जी। भाई आपके हमारे जो प्यारे नबी थे, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर मेरे माँ बाप मेरे भाई कुर्बान, अपनी जाने कुर्बान, उनका अखलाक क्या था और आज हम किस अखलाक पे पहुंच गए कि सिर्फ इस वजह से दुश्मनी है कि वो हमारे फिरके और हमारे मसलक का नहीं है। इस वजह से कहिए तो अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा था, ठीक है, पंचायत चुनाव, उसमें एक गांव से दो लोग भाई वो खड़े हुए, ठीक है, मुस्लिम, और बाकी भाई जो अपना वो खड़े हुए भाई वो नॉन मुस्लिम थे। तो जो दो मुस्लिम थे वो आपस में ही एक दूसरे का वोट काटने के चक्कर में फिरका परस्ती में जो तीसरे नॉन मुस्लिम थे वो जीत गए। जो बरेलवी थे उन्होंने आपस में मीटिंग की कि ये 24 नंबर है उसको वोट ना देना, 24 नंबरों ने आपस में मीटिंग की कि ये तो बिदती है उसको वोट ना देना। तो हुआ क्या, गांव वाले को जो मतलब जो वोट थे आधे आधे बढ़ गए, फायदा मेरे भाई तीसरों को हो गया। तो ये लोग अपना नुकसान कर रहे हैं अपने ऊपर।
और आज इसीलिए हमारी ऐसी हालत है। हम लोग कहते हैं या अल्लाह ये हमारे साथ क्यों कर रहा है, अब माफ कर दे। अल्लाह कैसे माफ कर देगा जब हम लोग अपनी हालत भाई एकदम बदतर कर दिए हैं, तो क्या कौन से मुंह से अल्लाह से माफी मांग रहे हैं? अब बताइए, दिल में अगर किसी के लिए हमारे जहर है, नफरत है, कीना है अपने ही उम्मती भाई के लिए, तो फिर समझ लो फिर क्या है, हम जानवर से बदतर है। हाँ। वाकई बता रहे हैं आप, लाख मेरे भाई बरेलवी हो चाहे कट्टर बरेलवी हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मुझसे कायदे से प्यार से भाई समझ के बात करोगे इंशाल्लाह सबसे आगे मैं आपके लिए आऊंगा कोई भी परेशानी में। मुझे मैं मनाज देख के नहीं आता हूँ, मैं फिरका देख के नहीं आता हूँ, बात कर रहा हूँ अच्छे से बात हो रही माशाल्लाह, 25 मिनट हो गए हैं बात करते हुए आपसे, आप भी बात कर रहे हैं मैं भी बात कर रहा हूँ, मगर एक इखलास है बात के अंदर, यही चीज है भाई। पहले एक दूसरे को हमें समझना पड़ेगा, जब हम लोग एक दूसरे की इज्जत करने लगेंगे, एहतराम करने लगेंगे, दिली मोहब्बत करने लगेंगे ना, तो फिर अगर आप हमसे कहेंगे यार अफू भाई ये अहले हदीस यार ये नंगे सर नमाज पढ़ते हैं भाई, ये अमल हमको अच्छा नहीं लगता है ना, तो हम भी आपकी बात को समझेंगे कि हाँ यार मतलब बात तो भाई ये सही कह रहा है, अक्सर अहले हदीस भाई को नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, तो हम आपकी बात को मानेंगे। मैं आपसे कहूंगा यार ये बरेलवी लोग यार कभी कदार मेरे भाई कुछ अपनी हदें पार कर देते हैं, ठीक है दीन में नए नए काम ईजाद कर देते हैं, तो ये चीज भाई सही नहीं, तो आप भी हमारी बात समझोगे क्यों, क्योंकि पहले हम लोग ने एक दूसरे की जो इज्जत है उसको करना सीख लिया, लेकिन अब मैं डायरेक्टली फोन करके कह दूं अबे तुम तो उस वाले बिदती हो, तो फिर आपको बिदत से तौबा भी करना होगा तो जिंदगी में नहीं करोगे, और अगर आपने हमसे फोन करके कह दिया अबे तुम लोग क्या बात कर रहे हो नंगे से नमाज पढ़ने वालों, तो फिर हमें आपकी बात समझना भी होगा तो भी नहीं समझेंगे, तो एक अंदाज एक कायदा कुछ होता है बात करने का नहीं, या अल्लाह के नबी ऐसे दावत दे देते थे क्या, अल्लाह के नबी गए और मतलब डायरेक्ट कह दिया रहे तुम्हारा तो पूरा खानदान वैसा है बुत परस्ती वाला, तुम लोग तो ऐसे हो वैसे हो, तो क्या भाई कोई मान लिया थे? नहीं, नबी ने उनको समझाया डिफेंड किया, उनको बताया ये हक है ये बातिल है, इसमें कामयाबी है इसमें भाई तुम्हारे लिए नुकसान है। अभी तो मैं कह रहा हूँ जब फिर जब उस टाइम तो अभी हम तो चलो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस टाइम बिल्कुल नॉन मुस्लिम थे वो, तो उनको हमारे नबी ने कलमा पढ़ाया है, उनको अपनी तरफ दीन की तरफ लेकर आया बिना कुछ बात के बिना झगड़ा किए। सही बात है, इतने लोगों को उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया, लोगों ने उनके ऊपर कचरा डाला पत्थर फेंके, इतनी जंग हुई उनके बावजूद उन्होंने तलवार नहीं उठाई किसी के सामने। सही बात है, और आज ये ऐसा माहौल बना रखा है इन्होंने। दूसरी बात है ना, इन्होंने जब फोन किया मेरे को तो एक मैंने इनको बोला, इन्होंने बोला कि नबी मर चुके हैं ऐसा कुछ अकीदा इन्होंने बताया, तो मैंने इनको बोला तब मैंने उनको बोला कि सारे अगर नबी अगर इंतकाल फरमा चुके थे तो मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने सबको मस्जिद अल-अक्सा में कैसे बुलाया? देखिए जो हमारा अकीदा है उनके मुंह से आप ना सुनिए, वो हम आपको एकदम शॉर्ट में आपको इंशाल्लाह बता देते हैं। हमारा अकीदा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं अपनी कब्र में, और वो एक बरज़क है, इस दुनिया से उसका कोई लेना मतलब, अगर कोई कहता है कि नहीं अल्लाह के नबी दुनिया में जिंदा हैं वैसे जिंदा हैं जैसे पहले जिंदा थे, तो ये अकीदा बातिल है। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास बरज़क में जिंदा है बिल्कुल। दूसरी बात, जब इन्होंने ये बोला तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नबी जिंदा है, उस पर बात नहीं हुई, हजरत मुहम्मद सलाम के ऊपर बात नहीं हुई, मगर जब मैंने इनको बताया ये मेराज का वाकया पूरा, मैंने कहा जब मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा की तरफ लाया गया अपने नबी को और वहाँ पर तमाम अंबिया मौजूद थे और नबी को इमामत दी गई, तब ये बोल रहे हैं अरे तुम साले बरेलवी ये कहाँ से लेके आया, तो नए नए फतवे पता नहीं कहाँ से आया ये किस्सा तुम्हारा, ये तो हदीस है बुखारी शरीफ की भाई। हाँ बिल्कुल, अरे नहीं कुरान में आयत मौजूद है इसकी, तो कुरान में जी जी कुरान में जो इस तरह सफर है उसका जिक्र है, बाकी मेराज का हदीस जो मेराज का जो वाकया है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी आयत बता रखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में लाया गया और वहाँ पर नमाज हुई, उसके बाद वो वहाँ पर ऊपर गए थे सातवें आसमान तक, तो उन्होंने ये इस तरह खारिज किया मुझे, इतना उन्होंने बोला जाहिल हो ऐसे हो आपके बाप ने गलत तालीम दी है फला ढिकाना बहुत बोला उनको, फिर मैंने उनको बोला अगर ये सही साबित हो गया तो आप क्या करेंगे, तो बोला सही साबित हो गया तो मैं ये सुन्नी बनने के लिए तैयार हूं, ऐसा बनने के लिए फलाना ढिकाना बोला, तो मैंने बोला चलो आप, तो मैंने बोला चलो मैं सुन्नी मौलाना का नहीं भेजूंगा आपको, फिर आप कहेंगे आपके सुन्नी मौलाना है, तो मैंने बोला आप अपने मौलाना का नाम बताइए, तो उन्होंने नाम बताया कि इनका आतोशिफुर रहमान साहब का, तो मैंने उनका वीडियो डाउनलोड करके और इनको भेजा पर्सनली, मैंने कहा इनको सुनिए ये बता रहे हैं कुरान से साबित है, तो बोल रहे हैं कि मेरे मोबाइल में नहीं चल रहा बताइए,
जाहिल लोग हैं, जब की बात जब मैं बताना चाह रहा हूँ कि सच्चाई ये है, झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो कह रहा मेरे मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा यार, कोई वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा थोड़ी हो सकता है। सही बात है, तो कंप्यूटर तो है नहीं, ये लैपटॉप में नहीं चल रहा है, वहाँ नहीं चल रहा है। सही बात है, सही बात है। तो मतलब मैंने इनको ये बताने की कोशिश की, अभी ये कह रहे हैं कि मौलाना को साइड में करो, मौलाना भी झूठे हैं, इनकी आवाज है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी इनकी, अगर ये झुटलाएंगे कभी, मैंने मतलब खाली इकलौते वो मतलब सच्चे हैं दुनिया में, बाकी सब झूठे हैं, झूठे इसलिए साबित। और अभी भी मैंने उनको पूछा, क्या बताइए मेराज के वाक्य पर आपका अकीदा क्या है, अभी भी आप मानते हैं ये सच है या झूठ है, तो हाँ ही नहीं भर रहे हैं, उसमें भी हामी नहीं भर रहे हैं कि हाँ आदिल भाई सही कह रहे हैं, बताइए इतना अंदर गुरूर रख क्या करेंगे ये। चलिए ऐसे लोगों से भाई देखिए, आप खुद समझदार है माशाल्लाह, पढ़े लिखे आदमी है, आप खुद समझ जाइए कि ऐसे लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करना एक नंबर की बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे लोगों से मेरे भाई ब्लॉक कर दीजिए, कन्नी काटिए, अपने आगे की इंशाल्लाह पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और अपनी नौकरी पे अपना ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप को देखिए, अपनी जो कौम है उसके लिए कुछ अच्छा कीजिए।